अति पिछड़ा समाज की उन्नति के लिए बहुत नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। गरीबों की सेवा का मतलब है जो विकास के पीछे के पायदान पर बैठा है। लेकिन विश्वास है, आप देखिए आपका कल्याण भी हो रहा है, आगे भी मोदी जी के नेतृत्व में होगा और जितने विकास की योजनाएं चल रही है उसका लाभ सबसे ज्यादा इसको मिल रहा है। रोहिणी आयोग बना है, आने के समय आएगा आपको पता चल जाएगा कि रोहिणी आयोग न्याय के लिए बना है, न्याय के लिए बना है, उनके लिए बना है, उसमें आपको भी न्याय से वंचित हम मुझको विश्वास है आयोग नहीं रखे। मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कम शब्दों में बोलने का मुझको भी ऊर्जा मिल गया है और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, तीन चीज पर गर्व कीजिए आप जरूर। अपने यहां मुगल काल में आ गया है बारिश, बहुत सारी कुरीतियां उठाइए, महाभारत को उठाइए, आप रामायण को, भगवान श्री राम से बड़ी का जूठा बैठ खाए तब मर्यादा बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। लक्ष्मण को बोले चार माते के साथ सेवड़ी माता का जूठा का बैठ माताओं की भी याद कर रही है, करा रही है और साक्षात सबरी में अपनी चारों माताएं सबरी सहित दिखाई पड़ रही है। खा जूठा बैठ थोड़ा सा संकोच किए थे, उठाइए मीरा के गुरु कौन थे, मीरा किस कुल में पैदा हुई थी और उसके गुरु जो भगवान कृष्ण को उसको दर्शन कराए वो कौन थे, वह कौन थे, वह संत रविदास थे। आप उठाइए भगवान कृष्ण द्वारिका धाधीश के राजा बने, सुदामा गए, द्वारपाल ने रोक दिया, किस तरह से सूचना पहुंची, समझ गए कृष्ण की सुदामा है, दास दासी आती रुक्मणी थाली में जल पाकर लेकर आती, थाली में जल लेकर आती सुदामा के पाँव पकाने के लिए दौड़े जब कृष्ण, लोग विलंब किया सुदामा के प्रेम में इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि सुदामा के पैर के धूल, हमारा यह प्रेम, हमारा यह लगाव से बड़ी से राम का, और जरासंध भगवान के पराक्रम की पूजा दुनिया कर रही है, हम सब कर रहे हैं, उतने पराक्रमी और प्रतापी राजा से हम पराक्रमी बनने का हम सब संकल्प एक तो कि आप भारत में जन्म लिए हैं या पहला गर्भ होना चाहिए सबको, दूसरा यह होना चाहिए कि हम सनातन संस्कार में जन्म लिए हैं, हम सनातनी है इसके आग्रह कीजिए, तीसरा गर्व कीजिए कि आप चंद्रवंशीकार हैं जो जरासंध के वंश में पैदा हुए, आपका गर्व छा हुआ है, चलिए सब मिलकर जरूर अपने समाज का कल्याण करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने अधिकार के लिए जरूर मरना चाहिए और जरूर बेटियों की रक्षा होनी चाहिए। विकास की यात्रा नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम से जो विकास की गंगा बह रही है उस गंगा को अपने घर तक ले जाइए, विकास की धारा से जुड़िए, सब मिलकर एक बार सब मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक जसोगान से कि भारत माता तेरी जय हो विजय हो, इसके लिए हम सब जिए हम सब मरे। नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है इस देश के लिए जिएंगे और इस देश के लिए मरेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भगवान जरासंध की जय।